अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप टू। और ये लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रुप टू की जो एएस है वो इसके साथ थोड़ी सी लिंक्ड है, उसका मैं गूगल ऊपर शेयर कर रहा हूँ, तो उससे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ए टू वाली ग्रुप टू की तरफ आते हैं और देखिए। तो अगले टॉपिक्स देखने से पहले मैं जो हूँ वो चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा दूँ ग्रुप टू के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको जो चीज़ लिखवाना चाहता हूँ वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, जब हम देखते हैं कि सबसे पहले कार्बोनेट्स की बात करते हैं, वी सॉ दैट MgCO3 को हमने थर्मल डिकम्पोज किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं जब हम, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट को करते हैं तो स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। बेरियम कार्बोनेट को करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना वो इंक्रीज होती है डाउन डाउन द ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा कि ये एक्चुअल टेम्परेचर्स नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस वैल्यू है जो मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है 600 डिग्री सेल्सियस, तो ये 700 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये 800 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 900 डिग्री सेल्सियस में होगा। ठीक है, इससे हमारे पास जो बात निकलती है वो है कि ये जो है ये लीस्ट स्टेबल है क्योंकि कम टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो जाता है, और बेरियम कार्बोनेट जो है इट इज मोस्ट स्टेबल। ये जो डीकम्पोजिशन हो रही है इन सब्सटेंस की, ये सारे के सारे जो है ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जी, तो पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन क्या होती है बता सकते हैं हमने? यकीनन कोई भी नहीं बता सकता। मैं लिखता हूँ कि इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टॉर्ट एनायन। कैटायन को अट्रैक्ट करने की और एनायन को डिस्टॉर्ट करने की, इसका मतलब यह है कि देखिएगा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपके पास एक कैटायन है जिसके ऊपर चार्ज जो है आपके पास प्लस टू है। चार्ज है इसके ऊपर प्लस टू, और यहाँ पे आपके पास सिमिलरली एक एन आयन है, थोड़ा सा साइज में बड़ा बना देता हूँ मैं। ठीक है, और इसका साइज जो है वो है 2 माइनस, या माइनस टू लिख देते हैं, 2 माइनस माइनस 2। अब क्या होगा कि यार देखो यहाँ पे जो है ना वो इसको चीजें आके अट्रैक्ट, कैट आयन इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, जब वो कैट आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, कि अब एक नई सीन मैं बनाता हूँ, जो नई सिनेरियो बनेगा वो ये होगा कि इस एन आयन की शेप जो है ना वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ना इसकी शेप खराब हो जाएगी और इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ना ये प्लस टू की तरफ आना चाहेगा, ठीक है इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, और यहाँ पे सारे आपके पास नेगेटिव चार्जिंग जो भी है ना एन आयन के ऊपर वो सारे इस पॉइंट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, दिस इज द एन आयन। ठीक है, सो ये जो है ना
इसकी जितना ज्यादा ये ऐसा शेप इसकी चेंज होगी और जितनी ज्यादा जो है ये इस मार्क में पॉजिटिव टू की तरफ बेंड होगी, इसको हम कहते हैं कि उतनी ही ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर के बारे में एक और बात कर लें, लेकिन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैट आई। ठीक है, दूसरी चीज जो है हमारे पास वो है पोलराइजेशन। जी पोलराइजेशन क्या होता है, स्पेलिंग ठीक है ना पोलराइजेशन? ठीक है, ये हम कहते हैं कि इट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लाउड इन एन आई इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एंड पोलराइजेशन जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एनाइन। ठीक है, पोलराइजेशन एनाइन में होती है। ठीक है, अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो चीज, कि अब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे ना, तो अब देखिएगा कि आपके पास जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है Mg2 पॉजिटिव और यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव आइंस है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसी तरह हम दो वो बनाते हैं दिखाने के लिए कि यार देखो यहाँ ये आपके पास हो गया फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयन और ये आपके पास हो गया कार्बोनेट आयन। ठीक है, सो +2 एंड -2। अब हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो है ना उसकी पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, ऑफ कोर्स +2 चार्ज है, सो हम ये कहते हैं कि द चार्ज इट मैग्नीशियम जो है ना वो कार्बोनेट को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज स्ट्रॉन्गली, हम लिखते हैं कि स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट CO3 2 नेगेटिव एज इट हैज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गरली अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह हम अगर एग्जांपल देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्ट करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन जो यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन आयन ओवर साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो इससे हम चार्ज डेंसिटी बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो ये थी कि अब हम अपने टॉपिक से वापस आते हैं कि ग्रुप के नीचे जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास था Mg2 पॉजिटिव और यहाँ पे कार्बोनेट था O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ठीक है, इससे हमारे पास बनता क्या है, Mg2 पॉजिटिव है, O है, और ये जो O और C के बॉन्ड बनता है ना O और C के दरमियान, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, फिर इससे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड +CO2 गैस बनती है जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब ये जो इतना लॉन्ग बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बॉन्ड अगर तोड़ने की बात करें ना, तो लेस हीट इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एस बॉन्ड लेंथ इज मोर। ठीक है,
और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैल्शियम टू पॉजिटिव की, तो ओ नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका सी ए टू पॉजिटिव बना, ओ नेगेटिव बना, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास फिर सी ए ओ प्लस सी ओ टू बनेगा, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड अगर मैं तोड़ने की बात करना चाहता हूँ कि भाई इसको तोड़ना है, तो इसमें मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो अरे बॉन्ड लेंथ ही डिक्रीज हो रही है, तो ज्यादा हमें हीट एनर्जी चाहिए था कि हम बॉन्ड तोड़ सकें। फिर स्ट्रॉन्शियम की बात करेंगे तो इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाएगी, तो और हमें हीट देनी पड़ेगी, और फिर बेरियम, और फिर आगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपने इसको देखना है। अब देखिएगा कि आयंस के बारे में कुछ और बात, फाइनल बात जो हम लिखते हैं इधर, तो वो ये है कि देखिएगा कि आपके पास है Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम टू पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम टू पॉजिटिव, बेरियम टू पॉजिटिव। इस ग्रुप के हमने जाने हैं नीचे। तो इसमें क्या होता है कि वी राइट दैट पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, लेस पोलराइजेशन एंड कार्बोनेट आयन, सी ओ बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सो मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। तो ये आपने का देखना है, ठीक है। तो फाइनल जो हम इस पे बात करनी है वो ये है, जो फाइनल स्टेटमेंट है इसके बारे में, वो मैं इधर ही नीचे ही लिख देता हूँ, और वो है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स नेट्स एंड नाइट्रेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया, ये आपने देखना है, ठीक है।